CSIR NET Part A Previous Year Problems solve कर रहे हैं हम, जैसे कि मैंने आपको last video में geometry based formula बताए थे, तो उस पे based ये numericals हैं जो exams में आ चुके हैं, तो let's see them. सबसे पहले यहाँ पर 2015 का question एक लिया हुआ है. There is an inner circle and outer circle around square. What is the ratio of area of outer circle to that of inner circle? डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में. एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर भी सर्कल है, बाहर भी सर्कल है. तो इस तरह का है. ऑप्शंस है रूट टू, टू, टू रूट टू एंड रूट थ्री बाय टू. अब यहाँ पर देखिए, पहले आपको एज्यूम करना है स्क्वायर की साइड ले लीजिए. तो सपोज ये साइड हमने ले ली है ए, स्क्वायर की साइड है ए, और ये जो डायगोनल है स्क्वायर की वही बड़े सर्कल की डायमीटर भी है. तो स्क्वायर की डायगोनल कितनी होती है? ये साइड ए है, ये साइड ए है. पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दीज साइड स्क्वायर्स, यानी टू ए स्क्वायर. तो ये हो जाएगा इक्वल टू टू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाता है. अगर उसको रूट लिया तो ये हो जाएगा रूट टू ए. डायगोनल है रूट टू ए, यानी बड़े सर्कल की डायमीटर है रूट टू ए, तो उसकी रेडियस हो जाएगी रूट टू बाई टू ए. तो फॉर बिग सर्कल रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ रूट टू ए. सो एरिया ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई टू ए स्क्वायर बाय फोर. टू टू से फोर, यानी ये हो जाता है आपका पाई ए स्क्वायर बाय टू. ठीक है, फॉर बिग सर्कल. ऐसे ही आपको स्मॉलर सर्कल का निकालना है, क्योंकि हमें आंसर में रेशियो भी बताना है बिगर एंड स्मॉलर सर्कल का. स्मॉलर सर्कल की रेडियस आप फाइंड आउट करनी पड़ेगी कितनी है. तो स्मॉलर सर्कल में ये पार्ट है रेडियस,